करिश्मा तन्ना ने ट्रोलर्स को दिया मुंह तोड़ जवाब। करिश्मा को ट्रोलर्स ने कहा ग्लैमरस है तभी ट्रॉफी मिली। खैर करिश्मा का इस पर बयान सामने आ चुका है, क्या कहा करिश्मा तन्ना ने चलिए जानते हैं। खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 की ताज एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना के सिर पर सजा। फिनाले में उन्होंने धर्मेश, करण पटेल और बलराज सयाल को पीछा छोड़ते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। जब से चार इस सीजन के फाइनल चार कंटेस्टेंट के नाम सामने आए तब से ही करिश्मा तन्ना मजबूत दावेदार मानी जा रही थी और इसी के चलते वो काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रही। वहीं एक मीडिया पोर्टल से खास बातचीत के दौरान करिश्मा तन्ना ने ट्रोलर्स पर किया हमला। करिश्मा ने कहा वो कैसे कह सकते हैं कि मैं खतरों के खिलाड़ी जीती क्योंकि मैं ग्लैमरस हूँ। मैं बिग बॉस 8, झलक दिखला जा 9, नच बलिए 7 का हिस्सा रही हूँ। मैंने कई सारे शोज किए हैं लेकिन मैं विनर नहीं बनी। ट्रॉफी मेरे नाम नहीं हुई, मैं ट्रॉफी के करीब थी लेकिन ट्रॉफी किसी और के नाम हुई। उस ट्रोलर्स ने टिप्पणियां क्यों की? अगर मैं ट्रॉफी जीती क्योंकि मैं ग्लैमरस हूँ तो मैंने पहले क्यों नहीं जीती। वहीं जब करिश्मा से पूछा गया कि उनके रियल लाइफ में ट्रोलर्स का कितना इफेक्ट पड़ता है, इस पर करिश्मा ने कहा मैं बहुत खुश हूँ मेरे शांत रवैये से और दृढ़ता से, मुझे शो जीतने में मदद मिली इससे। मैं अतीत में बहुत ही मुफट रही हूँ लेकिन अब मैंने महसूस किया है कि धैर्य और निश्चय रूप से एक गुण है। हालांकि बाघ और सांप का सामना करते हुए मुझे डर का महसूस करना स्वाभाविक है। मैं खुद को याद दिलाती रहती हूँ अगर मैं शांत रहूंगी तो मैं काम कर सकती हूँ। मुझे कई चोटें लगी, मेरी पीठ और गर्दन में अभी भी चोट लगी है लेकिन ये सब खतरों के खिलाड़ी का एक हिस्सा है और ये एक सिर्फ पार्सल है। वहीं जब करिश्मा से अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया तो करिश्मा ने कहा मुझे अभी ये नहीं पता कि मैं किस मीडियम को चॉइस करूंगी लेकिन हाँ मुझे मीनिंगफुल रोल करना पसंद है। लोग मुझे मेरे टैलेंट से जानते हैं ना कि मेरे ग्लैमरस से। खैर करिश्मा तन्ना ने जिस तरह से ट्रोलर्स को जवाब दिया वो काबिले तारीफ है। खैर आप करिश्मा की बातों से कितने सहमत है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।